परिवार में कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने ओबीसी की ऐसी की तैसी यह विधान किया था जिस पर पूरे देश में ओबीसी समुदाय बाबा रामदेव के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उस श्रृंखला में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तत्वावधान से जगनानी चौक में तीव्र निषेध व्यक्त किया गया। स्वयं ओबीसी समुदाय में जन्म लेकर भी खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताने वाले बाबा रामदेव का हम बाबा रावण के नाम से नामकरण करते हैं। हरिद्वार के मंच से बाबा रामदेव ने देश के कुल 375 पिछड़ी जातियों का अपमान किया है, ऐसी तीव्र असंतोषजनक प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सराध्यक्ष परमेश्वर राउत ने रामदेव बाबा को माफी मांगने की बात की, तो वहीं इस मामले में गहन संज्ञान लेते हुए सरकार द्वारा कड़ा कदम उठाने की मांग राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के पदाधिकारी सुभाष खाटे ने की है। इस समय मौजूद कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के बैनर पर क्रॉस नुमा काला निशान बनाते हुए निषेध व्यक्त किया। इस आंदोलन के समय बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। या रामदेव बाबा ना आम्ही त्याला आज रामदेव बाबा ने त्याचा रामदेव रावण बाबा म्हणून त्याचा आज नामकरण केलेला आहे। रावण बाबा मंगल्यामागचा उद्देश असा आहे का हरिद्वार मध्ये ज्यावेळेला त्यांचा एक योग गुरुच्या माध्यमातून जे योग करत असतात पण त्यांचा आज योग गुरु सुद्धा नाही त्यांचा रावण बाबा म्हणून आम्ही उल्लेख करत आहोत। ओबीसी समाजाबद्दल त्यांनी ओबीसी समाजाची ऐशी तैशी म्हणजे या 375 जातीचा त्यांनी अपमान केलेला आहे, याकरता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आज या योग गुरु रावण बाबाचा आम्ही इथे निषेध करत आहोत। यानंतर त्यांचे जे रिटेलर तिथे दुकानं आमच्या या नागपुरामध्ये त्या दुकानाच्या समोर सुद्धा आम्ही त्याचा निषेध करू। आमच्याच ओबीसी बांधवाच्या बोरशाव तो दुकानदार घेऊन बसलेला आहे, त्यांचे जे प्रॉडक्ट आहे ओबीसी लोक घेत असतात, आमच्याच बोरशावर मालमत्ता कमवली आणि आता स्वतःला मी ओबीसी नाही मी अग्निहोत्री ब्राह्मण आहे या ओबीसीची अशी तशी अशा प्रकारे वक्तव्य केलं म्हणून आज आम्ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने त्याचा निषेध करत आहोत। ओबीसी आज जगनाले चौक में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से ये रामदेव बाबा का निषेध किया जा रहा है। दो दिन से सोशल मीडिया के ऊपर में जो लगातार एक वीडियो चल रहा है उसके अंदर में ये भारत देश के 80% ओबीसी समाज का अपमान हुआ है। ओबीसी की ऐसी तैसी इन लफ्ज के अंदर में उन्होंने खुद ओबीसी रहते हुए खुद को ब्राह्मण बता के उन्होंने ओबीसी के एक गाल के ऊपर तमाचा जड़ा है, इसका निषेध करने के लिए हम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरे देश में उनका हम निषेध करते हैं और उनके खिलाफ में जल्द से जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके ऊपर में कार्रवाई करे और उन्होंने जल्द से जल्द माफी मांगना चाहिए ओबीसी समाज की, ऐसी यहाँ पे हम मांगनी और लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।